बहुत दिनों बाद चैनल पे नई वीडियो आई है। आज के इस वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोग 7 दिनों के अंदर अंदर 10,000 रियल फॉलोअर्स अपने इंस्टाग्राम में कैसे इंक्रीज कर सकते हो विदाउट एनी ऐप और विदाउट एनी वेबसाइट। हम लोग ऑर्गेनिक वे के मदद से इंस्टाग्राम पे रियल फॉलोअर्स इंक्रीज करने वाले हैं 7 दिनों के अंदर अंदर 10,000 फॉलोअर्स। इफ आपके अकाउंट में 10,000 फॉलोअर्स पहले से हुआ है तो आप लोग 7 दिनों के अंदर 10,000 फॉलोअर्स और कैसे ले सकते हो, और अगर आपके अकाउंट में 1,000 फॉलोअर है या फिर उससे भी कम बिगिनर हो भाई, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। मेक श्योर वीडियो को आपको पूरा देखना है, ठीक है? ओके, यहाँ पर से मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा। अब भाई वो तीनों मेथड को आपको थोड़ा डीपली समझना होगा, ठीक है? देखो, जो पहला ट्रिक है ना, ये भाई रामबाण है, रील्स। अब भाई रील्स सुनते ही आपके मन में आता होगा कि भाई रील्स वीडियो तो वायरल ही नहीं हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आता भाई डाले क्या, हर एक चीज डाल के थक चुके हैं, बट रील्स वीडियो स्टक हो जाता है, व्यूज नहीं आता है। इफ अगर आपकी भी रील्स वीडियो स्टक हो रही है ना, तो ऊपर आई बटन में आपको पता चलेगा कि कैसे आप लोग अपने रील्स वीडियो का स्टक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। बात करते डाले क्या, बात करते व्यूज लाए कैसे, रील्स का फायदा कैसे उठाए, जो आजकल के टाइम में काफी सारे इन्फ्लुएंसर उठा रहे हैं भाई। अब यहाँ पर से आपको थोड़ा स्ट्रेटेजी लगाने की जरूरत है, जो मैंने स्क्रिप्ट पे रेडी किया है। अब यहाँ पर से आपको 3 मेथड यूज करना है रील्स के ऊपर, ठीक है? देखो, जो पहला होगा ना, वो 7 दिनों के लिए 7 वीडियो आपको अपलोड करना है, जो कि होगा ट्रांजेक्शन रील। अब भाई ट्रांजेक्शन रील में क्यों बोल रहा है मैं समझाता हूँ। दूसरा होगा भाई आपका जो रील वायरल हो रहा है, जो साउंड रील पे वायरल चल रही है, उसमें 7 रील 7 दिनों के लिए। अब गाइस जो तीसरा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके मदद से आप लोग अपने अकाउंट को लाइफ टाइम तक ग्रोथ पे ले जा सकते हो। अब भाई वो ऑडियंस को आप लोग कैसे खींचोगे, इसके लिए आपको क्या करना है, 7 दिनों के लिए अपने नीच के ऊपर रील डालना है। थोड़ा साइकोलॉजी को समझो। पहले क्या होता था टिकटॉक में भाई, कि पाउडर फूकने पर ट्रांजैक्शन हो जाता था, बट अभी के टाइम पे एआई आ चुका है। अब भाई एआई की मदद से आप लोग बहुत तगड़ा ट्रांजैक्शन कर सकते हो, बहुत बढ़िया से वीडियो को एडिट कर सकते हो। इसके ऊपर हम लोग एक डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे। काफी सारे ट्रांजेक्शन वायरल रील चल रही है, आपको ट्रांजेक्शन रील डालना है कि आप लोग नए यूजर्स को अट्रैक्ट करो अपनी आईडी पे। दूसरा क्या था भाई, वायरल साउंड रील। वायरल साउंड रील इसीलिए डालना है कि भाई इंस्टाग्राम में जितनी भी नई पब्लिक आती है ना, वो लोग के पास वो सारी साउंड जाती है, वायरल साउंड। 7 दिनों के अंदर आपको 7 रील डालना है ट्रांजेक्शन के ऊपर, 7 रील डालना है वायरल साउंड के ऊपर। अब भाई आपको वायरल साउंड मिलेगा कैसे, देखो भाई वायरल साउंड ढूंढने के लिए आपको क्या करना होगा, इंस्टाग्राम पे जाओ, साउंड वाले ऑप्शन पे जाओगे तो आपको कैसे टिक का ऑप्शन मिलता है, वो होता है भाई वायरल साउंड। और आप लोग कैसे पता कर सकते हो, जब आप लोग रील स्क्रॉल करते हो तो 2-3 साउंड अगर आपके पास बारी बारी आ रहा है अलग अलग इन्फ्लुएंसर का, तो वो भी एक वायरल साउंड है। अगर आप लोग रील स्क्रॉल करोगे ना, तो आपको एक एरो का ऑप्शन मिलता है। अब भाई कुछ कुछ साउंड क्या होता है ना, थोड़े दिनों के लिए वायरल होता है। लाइक मान के चलो वो साउंड आया रील में, 2-3 दिन के लिए चला तो वो एक वायरल साउंड बन गया, बट वहीं पे वो साउंड स्टक हो गया, उसके बाद व्यूज नहीं आ रही है। वो सारी साउंड्स को अभी नहीं पकड़ना है, वो साउंड को पकड़ना है जो भाई 10 से 15 दिन हो गया अभी भी वो साउंड वायरल है, वो साउंड पे आपको रील को मेक करना है। अब भाई इसके ऊपर हम लोग एक डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे कि हाउ टू फाइंड वायरल रील, हाउ टू फाइंड वायरल साउंड, जिसके मदद से आप लोग ढेर सारा व्यूज ले जा सकते हो। बट अभी जितने भी बंदे देख रहे हो, उन लोगों के लिए एक सरप्राइज है। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि वहां पर से आपको डेली 5 से 10 वायरल साउंड आप लोग के लिए शेयर करूं अलग अलग कॉन्टेंट के लिए। ज्वाइन कर लो YD मास्टर टेलीग्राम चैनल को अभी। तीसरा क्या था, आपको अपने नीच के ऊपर, आपको अपने कंटेंट के ऊपर 7 दिनों के लिए रील डालना है। उससे क्या होगा, इंटरेक्ट विद यूजर इंटरेस्टेड इन योर नीच। ये पूरा सिस्टम को समझो। आपने डाला ट्रांजेक्शन रील, आपने डाला वायरल साउंड रील, इसके मदद से आपको यूजर्स मिले, इसके मदद से आपको नए फॉलोअर्स मिले, नए प्रोफाइल विजिट्स मिली। अब आप लोग वही दिनों के अंदर 7 अपने कंटेंट का रील डालोगे, हो सकता है उन लोगों में से 100% में से 30% आपके नीच को फॉलो करें, आपके नीच को लाइक करें, आपके कंटेंट को वो लोग देखें और बढ़िया समझे भाई। उससे क्या होगा ना, आपका जो नीच, आपका जो कंटेंट है, उसको आप लोग ऊपर लेके जाओगे, समझ रहे हो? देखो बस आपको इसमें थोड़ा डीपली समझना है।
जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, यही चीज को करके और फॉलोअर्स इंक्रीज करते हैं। जिन लोगों का अकाउंट स्टक हो जाता है ना, यही साइकोलॉजी यूज करते हैं भाई बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर। अब भाई बात करते हैं दूसरे मेथड के ऊपर। अगर आप लोगों को प्रोफाइल विजिट चाहिए ना, तो इससे बढ़िया मेथड कुछ नहीं हो सकता है दूसरे ट्रिक के मामले में। भाई रील्स में तो ज्यादा मिलेगा ही, बट स्टोरी से भी खींच सकते हो बंदे लोग को। आप लोगों को डेली के 4 मेंशन करना है अपनी नीच, अपने कंटेंट के लोगों को। वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। अब भाई जैसे कि मान के चलो मेरा फैशन डिजाइनिंग का पेज है या फिर कुछ भी पेज है, ठीक है। अब भाई मैं अपने लेवल के बंदे लोग का, लाइक मेरा 1000 फॉलोअर है ना, तो जिनका 10000 20000 फॉलोअर है ना, उनका मैं रील उठाऊंगा, उनका मैं फोटो उठाऊंगा एंड अपनी स्टोरी पे डाल के उनको लाइक कांग्रेट्स करूंगा और उनको अप्रिशिएट करूंगा कि भाई आप बढ़िया काम कर रहे हो। अब क्या होगा समझो, जैसे ही वो आपका स्टोरी लगा के अपने स्टोरी पे मेंशन करेगा ना आपको, उसके 100% में से 5-10% बंदे भी आपके प्रोफाइल में विजिट करेंगे। और जब विजिट करेंगे तो आपको बस एक ही काम करना है, उस बंदे से अच्छा कंटेंट आपको अपनी प्रोफाइल पे देना है। ऑब्वियस बात है, दोनों का सेम कंटेंट है। वो जो बंदा आपका आईडी पे आया, वो भी वही कंटेंट देखने देखता है उसके आईडी पे, और वही सेम चीज बढ़िया तरीके से आपका आईडी में मिलेगा तो वो आपको फॉलो करेगा। समझ रहे हो बात को? बस इसको थोड़ा डीप वे में समझो और बढ़िया से काम करो। डेली के आपको 4 मेंशंस निकालना है, थोड़ा टाइम लगेगा बट काम का ट्रिक है भाई। अब भाई ये मेरा फेवरेट है, ये जान तो बड़े हाई लेवल का इन्फ्लुएंसर लोग करते हैं। जैसे कि मैं एक का नाम लेता हूँ किंग। अब भाई किंग आप समझ गए होंगे, रैपर है भाई अपना, मस्त है भाई। अब वो क्या करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। वो जब भी भाई इंस्टाग्राम में पोस्ट करते हैं ना, अपनी फोटो के साथ जैसे ही आप लोग स्क्रोल करोगे भाई, आपको दिखेगा एक मीम। अब वो मीम से बेनिफिट कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई, किंग ने फोटो पोस्ट किया, फोटो जो फर्स्ट फोटो होता है ना, वो उनके सारे फॉलोअर्स लोग के पास चला गया। जितना भी इंप्रेशन गया इंस्टाग्राम अकाउंट से, वो लोग फोटो को देख लिए। अब भाई जब इंस्टाग्राम और रीच देगा फोटो को, तो आप लोग देखेंगे फोटो ऑटोमेटिक स्क्रोल हो जाता है। लाइक फर्स्ट फोटो अगर आप लोग ने देखा होगा, तो कुछ टाइम के बाद अगर आप लोग देखोगे तो आपको सेकंड फोटो नजर आएगा। वैसे क्या होता है, इंस्टाग्राम इंप्रेशन भेजते रहता है एंड फोटो ऑटोमेटिक स्क्रोल होते रहता है। अब क्या हुआ, किंग के फोटो में इतना ज्यादा इंप्रेशन आया, ठीक है, स्क्रोल होते होते वो मीम आ गया। अब वो जो मीम आया है ना, वो अब सारे बंदे देखेंगे। किंग के जितने भी फॉलोअर्स उन लोग को देख लिए, अदरवाइज जितने बंदे वो लोग मीम को देखेंगे। और मीम से क्या होगा, इफ अगर वो लोग को मीम पसंद आए तो मीम को लाइक करेंगे और किंग के प्रोफाइल में जाएंगे। समझो, किंग का फोटो नहीं, वो मीम एक्सप्लोर पेज पे जाएगा, वो मीम होम पेज पे बहुत लोग के पास स्क्रोल पे आएगा। समझ लो साइकोलॉजी को। आप लोग ने देखा होगा ऐसे काफी सारे इन्फ्लुएंसर है फोटो के बाद वीडियो पोस्ट करते हैं, क्योंकि फोटो तो उनको फॉलोअर्स देखते हैं, बट जो वीडियो होती है, जो इंटेंस मूवमेंट कैप्चर हुआ होता है, वो सारी पब्लिक देखते हैं। इस चीज का आपको इस्तेमाल करना है और 7 days 7 फोटो अपलोड करना है विद आपका जो भी कंटेंट है। मीम लगा सकते हो, इफ अगर आपका खुद का कंटेंट है, खुद का फेस वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो, तो मीम की मदद से प्रोफाइल विजिट ले सकते हो। अदरवाइज कोई स्पेसिफिक कंटेंट है तो भाई वो कंटेंट के रिगार्डिंग फोटो के साथ वीडियो अटैच कर सकते हो या फिर उससे जुड़ी कोई भी डिटेल। समझ रहे हो? देखो भाई, अगर आप लोग समझ गए ना ये सिस्टम को, तो प्लीज नीचे कमेंट करो जाके कि भाई समझ गया। देखूंगा तो दिल को खुशी होगा यार कि समझा दिया फाइनली आप सभी को। देखो, जो बंदे अभी तक देख रहे हो वो लोग के लिए बोनस तो बनता है गाइस। फर्स्ट जो हो गया क्रिएटिंग योर अकाउंट इमेज, आपको एक अकाउंट का इमेज बनाना है, वैल्यू बनाना है, ठीक है। दूसरा है भाई नोइंग योर ऑडियंस, आपको समझना है ऑडियंस आपसे चाह क्या रहा है, आप ऐसा कौन सा कैरेक्टर बढ़िया प्ले कर रहे हो अपने रील्स पे। और ये जो मैं आपको 7 दिन का शेड्यूल बताया हूँ ना, 3 अलग अलग कंटेंट पे, एक खुद का होगा, 2 अलग होगा, एंड इसमें आप लोग कुछ भी रख सकते हो जो आप लोग को मन हो। 7 दिनों के बाद आपको खुद पता चलेगा कि भाई मेरा कौन सा कंटेंट ज्यादा चल रहा है, और 7 दिन के बाद आप समझ जाओगे कि हाँ जी भाई मुझे इस कंटेंट पे काम करना चाहिए, इस पे मेरे को ज्यादा व्यूज मिल रही है। समझ रहे हो? ऑडियंस का सपोर्ट मिल रहा है। समझो थोड़ा पॉइंट को। ऑप्टिमाइज योर बायो एंड कैप्शन, 7 दिनों के बाद आपको समझ में आएगा कि आपको अपने बायो में क्या लिखना है, आपको आपके कैप्शन में क्या लिखना है। समझ रहे हो? क्योंकि आपको खुद ही पता चल जाएगा भाई मैं कौन सा कैरेक्टर हूँ, मुझे कौन सा रोल पे प्ले करना है, उस हिसाब से बायो और उस हिसाब से कैप्शन आपको रेडी करना है 7 दिनों के बाद।
यूजिंग रिलेवेंट हैशटैग। 7 दिनों के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका कौन सा कॉन्टेंट चल रहा है और उसी कॉन्टेंट के ऊपर आपको हैशटैग्स लिखनी है। इफ अगर हैशटैग की बात है तो जितने मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर होंगे वो लोग को पता होगा, मैं पहले के टाइम में अपने टेलीग्राम में पोस्ट करता था काफी सारी हैशटैग, एंड अभी भी आपको काफी सारी हैशटैग्स मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम अकाउंट पे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको डेली के कुछ वायरल हैशटैग्स और अलग अलग कॉन्टेंट के हैशटैग्स प्रोवाइड करूँ। इफ अगर आप लोग को कोई स्पेसिफिक हैशटैग चाहिए तो नीचे कमेंट करो, तो गाइज वो हैशटैग मैं अपने टेलीग्राम अकाउंट में डाल दूंगा, तो ज्वाइन करो यार, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंगेजिंग विथ योर कम्युनिटी। 7 दिनों के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि गाइज आपको कौन सा कम्युनिटी में आगे बढ़ना है, कौन सा कम्युनिटी को लेके चलना है। फिर आप खुद फॉलो करने लगोगे उन लोगों को जो कॉन्टेंट आपका वायरल हो रहा होगा, समझ रहे हो। बस भाई आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। इफ अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, नीचे कमेंट करो, बढ़िया बढ़िया कमेंट करो कि मैं मोटिवेट हूँ आप लोग के लिए और ढेर सारा कंटेंट लेके आऊँ। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए नीचे जरूर कमेंट करना, ठीक ना। बाकी यार इंस्टाग्राम में अपने भाई को फॉलो कर लो, Satyam-033 यूजर आईडी है। बाकी यार सब्सक्राइब करते हुए जाना, ठीक है, और बेल आइकन को भी ऑल पे कर देना। बस चलो बाय।